नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन, सिक्किम की बाढ़ में बर्बाद हुए चोपड़ा के नौ युवक, गैराज बह जाने से बह गए ग्राहकों की 12 कारें। सिक्किम के सिंगथाम में बादल फटने से आई बाढ़ में चोपड़ा के कुछ युवक भी फंस गए हैं। युवकों ने वीडियो संदेश के जरिए राज्य सरकार और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान से मदद की गुहार की है। पता चला है कि चोपड़ा थाना क्षेत्र के पश्चिम कालिकापुरी इलाके के कई मजदूरों का सिक्किम के सिंगथाम में अपना गैरेज था। उस गैरेज में करीब 12 कारें थी। सोमवार देर रात अचानक बाढ़ आ गई। वे किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी सब कुछ खत्म हो गया। उनके गैरेज में मौजूद कारें पानी के बहाव में बह गई। पूरा गैरेज 20 फीट तक मिट्टी व मलबे से ढका हुआ है। उन्हें नहीं पता कि अब क्या करना है। अब वे राज्य सरकार और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण आग के सहारे मूर्तियों को सुखा रहे मूर्तिकार, बढ़ रहा लागत। दुर्गा पूजा के मौसम में लगातार बारिश के कारण मालदा के मूर्तिकार संकट में हैं। मौसम के मार के कारण मूर्तिकारों ने अपने कारखानों में आग के सहारे मूर्तियों को सुखाना शुरू कर दिया है। अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो निश्चित समय में दुर्गा प्रतिमा बना पाएंगे या नहीं, इसे लेकर मूर्तिकार भी चिंतित है। मालदा ने इंग्लिश बाजार और ओल्ड मालदा नगर पालिका क्षेत्र के आसपास के मूर्तिकारों के कारखाने हैं। अधिकांश मूर्तिकार अपने कारखानों में मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन बुधवार की देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण मूर्तिकार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई मूर्तिकार फैक्ट्रियों में बारिश का पानी घुस गया है। ऐसे में कुछ लोग आग जलाकर मूर्ति को सुखाने का काम कर रहे हैं। स्थिति यही रही तो अधिकांश मूर्तिकारों को भी चिंता सता रही है कि विभिन्न क्लबों की मूर्तियां समय पर कैसे संपन्न कर पाएंगे। दुर्गा पूजा से पहले पुलिस की मदद से फुटपाथों को कराया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। दुर्गा पूजा से ठीक पहले माथाबंगा नगर पालिका ने शहर को सुचारू रखने के लिए फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया है। इस संबंध में माथाबंगा नगर पालिका के अध्यक्ष लक्ष्मीपति प्रमाणिक ने कहा कि सभी दुकानदार फुटपाथों पर अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जिसके कारण सभी पैदल यात्रियों से लेकर वाहनों के आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी वजह से शहर की भीड़ लग रही है, उसी का नतीजा है कि आज यह फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। हालांकि नगर पालिका की ओर से कई दिन पहले ही माइकिंग कर हर व्यापारी को सचेत कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि व्यवसायियों ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। वही आज कुछ व्यवसायी इसे रोकने का प्रयास कर रहे थे। माथाबंगा थाना की ओर से इस अभियान में सहयोग किया गया है। सिक्किम की प्राकृतिक आपदा में आलिपुर निवासी सेना जवान की मौत। सिक्किम की प्राकृतिक आपदा में आलिपुर निवासी सेना जवान विमल उड़ाव की मौत हो गई। वो कालचिलिंग प्रखंड के मधुचिया बगान का रहने वाला था। सिक्किम के बाढ़ में जो सेना की गाड़ी व जवान बह गए, ये उन्हीं में एक है। शुक्रवार को मधुचिया बगान की मुंसिन लाइन स्थित आवास पर उनका शव लाया जा रहा है। बुधवार को गाजलडोबा के किस्टर नदी से उनका शव बरामद हुआ। गुरुवार को उनके भाई ने शव की शिनाख्त की। उसके बाद उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को बिंदागुड़ी सेना छावनी में, जहां वो तैनात थे, उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शव को घर भेजा गया। अखिल भारतीय लघु बचत अभिकर्ता कुचबिहार जिला कमेटी की ओर से कुचबिहार मुख्य डाकघर के गेट पर काम बंद एवं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह हड़ताल और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम गुरुवार दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में संगठन के कुचबिहार जिले के नेताओं सहित संगठन के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने संगठन की ओर से कहा गया कि इन लघु बचत एजेंटों पर पहले अगर 1% कमीशन होता तो अब ये 50 पैसे हो गया है। संगठन ने धमकी दी कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही इस आयोग के बारे में नहीं सोचा तो वे 2024 के चुनावों को लेकर विशेष कदम उठा सकते हैं।